हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा शेयर है, 8,000 के 20 शेयर्स, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मौके का फायदा उठाने का टाइम आ गया और पैसा कमाने का टाइम हो गया। अब आप कहोगे ट्रेंड कैसे रिवर्स हो रहा है। देखिए छोटे शेयर्स, स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में काफ़ी गिरावट की मार थी। अब बहुत सारे शेयर में ऑलरेडी अगस्त के बाद से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, लेकिन कुछ शेयर्स अभी भी रिवर्सल की ओर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है। वैसे ही ये शेयर है जो कि रिवर्सल कंफर्मेशन की ओर जा रहा है। देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब 8,000 के 20 शेयर्स, मतलब 400 रुपए के आसपास का रेट है स्टॉक का। ट्रेंड रिवर्स वो हम टेक्निकल से देखेंगे। सीधे लेके चलता हूं आपको स्टॉक की तरफ। 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी 390 का प्राइस है, लेकिन अभी नहीं खरीदना भाई, अभी तो क्रिटिकल लेवल पार करने के बाद एंट्री लेनी है। कंपनी फाइनेंस की कंपनी है, 18 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रही है, नई कंपनी है, ज़्यादा पुराना शेयर ये है नहीं मार्केट में। कंपनी तो पुरानी है लेकिन शेयर जो है मार्केट में नया है। NBFC, अभी आपने देखा होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, उसका मार्केट में IPO आया था, तो भाई इसी कंपनी का ही वो बैंक है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। छोटी छोटी कंपनियां अच्छा खासा जंप दे सकती है, लेकिन इन स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी, मतलब अप डाउन काफ़ी होता है, तो कोई भी अगर इनमें एंटर कर रहा है तो इनमें रिस्क हाई रिस्क वाले होते हैं स्मॉल कैप के शेयर, इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। रिवेन्यू जो है 2017 में अच्छा खासा, 2015 में, 2019 में और अभी के 12 महीने में रिवेन्यू की कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त जंप। प्रॉफिटेबिलिटी में 2018 में थोड़ा कमी थी, लेकिन उसके बाद फिर से 2019 में 150 करोड़, फिर 260 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके से नंबर्स बेहतरीन है। अब इन नंबर्स को अगर आप देखें तो इन नंबर्स को देखें, ज़रा ध्यान दीजिए। अभी 72 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था लास्ट दिसंबर में, जो कि लास्ट ईयर मात्र 32 करोड़ का था। कितना जंप, अच्छी बात है भाई, लेकिन हमें यही नहीं देखना, हमें तो आगे डिटेल में टेक्निकल में देखना है, रिवर्सल देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल। अगर आप फाइनेंस फंडामेंटल्स देखो तो आपको अच्छा लग रहा होगा शेयर, लेकिन टेक्निकल पे कहाँ स्टैंड करता है वो समझने की जरूरत है, और समझेंगे हम टेक्निकल से। मंथली चार्ट से कोशिश करते हैं स्टार्ट समझने की। ये जब मार्केट में आया था, देखिए किस तरीके से इसने तबाही मचा दी थी, सीधे 540 के लेवल पर गया था। और 2018 आपको पता भाई, 2018 के बाद इसने देखिए थोड़ा सा कोशिश करी थी आप आने की, लेकिन आप नहीं आ पाया, स्टॉक फिर से नीचे चला गया। और उन्हीं लेवल्स पे अगर आप देखें, ये 2019-2018 का लेवल है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, शेयर उससे भी नीचे जरूर गिरा है, लेकिन फिर वापसी आया। वापस आने के बाद जो इस स्टॉक में मैं देख पा रहा हूँ, जो अच्छी बात इस स्टॉक में देख पा रहा हूँ मैं, वो आप भी देखिए समझिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमेशा हमको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रेंड के रिवर्सल के लिए, जो जैसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमारे पास क्या, देखिए ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे देखिए लो नीचे नहीं गया लेकिन हाई जो है वो चेंज नहीं हुआ, देखिए हाई जो है वो पार नहीं हुआ, फिर से लो बना, लोअर लो बना, देखिए लोअर लो बनने के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा लोअर हाई बनाया। अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स नहीं कह सकते आप, लोअर हाई बना है और उसके बाद क्योंकि ये देखिए हाई पॉइंट था, लोअर हाई बना। अब सबसे अच्छी बात स्टॉक में अगर देखिए, ये मंथली चार्ट है, अभी हम छोटे टाइम पर जाएंगे तो और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद अभी हमारे पास एक पैरामीटर हमको और चाहिए, क्या, हायर हाई, जो कि इसको पार करने के बाद ऑलरेडी बन चुका है, काफ़ी अच्छी बात, ऑलरेडी बन चुका है। अब ये स्टॉक वापस, आप कहोगे भाई वापस देखिए, वापसी भी हो सकती है इसमें, जो ये रैली है यहाँ से जो स्टार्ट हुई है 270 से, ये ऊपर जंप लेके करेक्शन फेज आ सकता है, फिर एक हायर जो है लो बन के फिर आपके पास दोबारा मौका हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए इस हाई को क्रॉस करने के बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस हाई को क्रॉस करने के बाद स्टॉक जो है वो ये जो डाउन ट्रेंड की जो लाइन चल रही है, मैंने जो रेंज ये ड्रॉ करके इसको पार कर चुका है, इसको भी पार कर चुका है, जो कि और भी पॉजिटिव है। ये दो लेवल्स एक साथ पार हुए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अब इस स्टॉक में जो अगला टारगेट है, अगला लेवल पार करने का है, वो है ये 420-430 से ये वाली रेंज, 440 की रेंज। अब आप कहोगे कैसे भाई, अब पुराना हाई तो पार कर दिया, पिछले हाई के ऊपर भी तो फोकस है, इस हाई को पार करना भी जरूरी है, तो इस हाई को पार करना जरूरी है साथ के साथ अभी जो करंट वीक में इसने जो हाई बना है उसको कर, इस मंथ में जो हाई बना है उसको भी पार करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस आपको बेहतरीन
जो है पर्सपेक्टिव देती है, सोचने का नजरिया देती है, वो चीज़ देखिए। अब स्टॉक ने जब इसको पार किया, और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कभी भी ये पार होना, ये लेवल्स कोई भी ब्रेकआउट, उससे पहले करेक्शन या उसके बाद जो है कंसोलिडेशन, करेक्शन नहीं कहूंगा वो कंसोलिडेशन। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है कितना बढ़िया, जब ये लेवल पार हुआ 370 का तो स्टॉक काफ़ी रैली गया, लेकिन रैली के बाद फिर से स्टॉक में सबसे इस वीक की कैंडल जो है मुझे ज्वाइंट कैंडल बनती हुई दिख रही है। अच्छी बात है, हम एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते इससे, लेकिन जो हमारी एंट्री का लेवल, ये ज्वाइंट कैंडल जब बनेगा, हम इसको लेवल वन का ज्वाइंट आते हुए अगले वीक से लेकर अगर मौका मिलता है तो 405 से लेकर 415 की ये रेंज पार होने का इंतजार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। ये पार होती है शेयर में बड़ा उछाल आ सकता है। जरा देखें स्टॉक को, अगर इस स्टॉक को आप देखोगे समझोगे तो आपको यहाँ पे स्टेज कैटेगरी का ज्वाइंट देखने को मिलेगा। अब आपको स्टेज कैटेगरी का कैसे, जरा बारीक नज़र से देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त मौका है स्टॉक में। ये देखिए स्टेज कैटेगरी का जॉइंट, और जिसका ये लेवल था, ये देखिए स्टेज कैटेगरी का जॉइंट, ये हेड एंड शोल्डर पोजीशन आप इसको कह सकते हो, लेकिन हम तो इसको अपना स्टेज कैटेगरी का जॉइंट कहेंगे इस जॉइंट को। ये देखिए इसके आगे और पीछे दोनों साइड पे जो है वो स्टेज कैटेगरी का जॉइंट है, इसलिए स्टेज टू कैटेगरी का जॉइंट आ जाता है, स्टेज टू स्टेज थ्री का। तो ये समझने की जरूरत है, ये तभी समझ पाओगे आप, चाहे टेक्निकल समझ रहे हो इन जॉइंट्स को अगर आप देखें तो। अब आप अभी तो हमारे पास ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी मैं आपको पहले नहीं, 405 से लेके 415 की ये रेंज पार होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा और फाइन करते हैं सिचुएशन को, और इम्प्रोवाइज करते हैं और चलते हैं डेली पे। डेली पे आप देखिए किस तरीके से स्टॉक में करेक्शन आया था, जंप आया नो डाउट। अब ये जो लो है, अगर आप डेली पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी आप किसी भी लेवल पे, सपोज मानिए कि आपने इस जॉइंट को देख के यहाँ पे एंट्री ली है 384 पे या फिर 386 पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो लास्ट जॉइंट कैंडल हमारी दिख रही है यहाँ पे, आप स्टॉप लॉसेस के लिए एक लेवल नीचे आके भी अपना देख सकते हो क्या कि कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो एक लेवल नीचे है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस जॉइंट का बिल्कुल बॉटम पॉइंट यानी कि 360 मेरा जो है एग्जिट, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉक में रैली आई अभी, अब रिसेंट जो जंप दिख रहा है ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन सबसे पहले तो इससे ये जो पिछले 4-5 दिनों का जो हाई है इसको पार करना जरूरी है, यानी कि 396 का लेवल पार करना जरूरी है, और इसको पार करते हाँ आपके पास एक मौका बनेगा। फिर उसके बाद ये देखिए फिर अगला लेवल 402 का है, 402 से 405 का ये लेवल है, ये पार करना जरूरी है। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जब लास्ट में स्टॉक ने पीक बनाया था तो पीक में जो है प्राइस रिजेक्शन हुआ था। आप देखिए लंबी लंबी कैंडल्स, ये अपर शेडोज, ये प्राइस रिजेक्शन बता रहे हैं, तो ये प्राइस जो रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 415 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 पॉइंट का ये प्राइस जो है रिजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल पार होना काफ़ी जरूरी है। स्टॉप लॉस आपके सामने 374 के आसपास, अगर आप यहाँ पे अर्ली एंट्री लेते हो तो। ओवरऑल अगर आप देखें इस स्टॉक को, बढ़िया है नो डाउट, बढ़िया व्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई रेंज पार करने के लिए हमको क्या चाहिए, अब वॉल्यूम। जब जब वॉल्यूम नहीं दिखेंगे तो भाई स्टॉक में ये चीज़ें पार नहीं होंगी, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट। अब वॉल्यूम बनता हुआ आपको दिखेगा तो आप समझना कि हाँ भाई स्टॉक में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये स्टॉक अब देखिए डेली में मैंने आपको बताया, वीकली में मैंने आपको बताया, और ऐसे स्ट्रक्चर्स आप तभी देख पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप समझते हो किसको, टेक्निकल एनालिसिस को। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे बढ़िया स्टॉक है या फिर बेकार स्टॉक है, स्टॉक गिरने वाला है या फिर स्टॉक चढ़ने वाला है, ये सारी क्लैरिटी हमको टेक्निकल एनालिसिस से मिलती है। और अभी मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आके इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आवरली पे। तो आवरली पे जो मुझे फिलहाल जो करेक्टिव फेज दिख रहा है, देखिए अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट्स को ड्रॉ करता हुआ, जो ये पूरा का पूरा 415 के लेवल से इसमें करेक्शन आई है, देखिए करेक्टिव फेज जो दिख रहा है बनता हुआ, वो धीरे धीरे करके पहले यहाँ पे पार होने की कोशिश करी, अभी ये उससे ऊपर ही है, तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। और आवरली पे जाके आप आपकी अपनी चीज़ों को थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा करेक्टिव लेग था, अब आप इस करेक्टिव लेग जो है, ये करेक्टिव नहीं कहूँगा मैं, इंपल्स था डाउन साइड में, इंपल्स का देखिए ये करेक्शन हुआ पूरा का पूरा, ये मान के चले करेक्टिव लेग था, करेक्टिव लेग के बाद फिर से इंपल्स आया और फिर से ये जंप करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप आवरली पे देखो, इस पर्टिकुलर इतने एरिया को देखो खाली, तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये 396 का ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये हाई पार होना जरूरी है, ताकि हम कहेंगे हाँ भाई हमारा जो ये पर्टिकुलर करेक्टिव एक्शन था इस इंपल्स का, ये क्लियर हो चुका है। देखिए समझिए, कोशिश कीजिए, और साथ के साथ फिर नए हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन अगर आपको बनते हुए दिखेगी तो स्टॉक में इस पर्टिकुलर करेक्शन का जो कि 415 से लेकर अब आया है, वो भी आपका रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें हम तभी समझ सकते हैं जब हम मल्टी टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, यानी कि मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से आवरली, और 15 मिनट 5 मिनट वाले को इंट्राडे वाले यूज करते हैं काफ़ी इफेक्टिवली।
और जो नए चार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे IRCTC एंड ऑल, वहाँ पे हमारे पास अभी मंथली थोड़ा है, वीकली के भी गिनती के कैंडल्स हैं, तो इसलिए हम उसमें अभी आवरली 15 मिनट 5 मिनट में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डेटा है नहीं ज़्यादा अवेलेबल। तो ये हमने अभी बात करी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की, और ट्रेंड रिवर्स के बाद स्टॉक में अच्छा स्ट्रेंथ जो है अभी जो पुल बैक हुआ है, और अच्छे स्ट्रेंथ इसमें चाहिए पार करने के लिए, और 415 410 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।